बिग बॉस 13 को लेकर बिग बॉस 14 में आज बात हुई। कौन था सबसे ज्यादा मेहनती कंटेस्टेंट, इसको लेकर विकास गुप्ता ने जिक्र किया। विकास ने कहा कि हालांकि शुरुआत हुई कि उधेड़ दूंगी, इस तरह का शब्द जो है विकास ने कहा, मैंने बहुत सुना था पिछले सीजन में, तो लोग बोलते हैं आ सेम, आपको याद होगा शेफाली जरीवाला बोलती थी, तो फिर बाद में अर्षी बैठी है, राहुल वैद्य बैठे हैं, अली गोनी बैठे हैं, सोनाली फोगाट, विकास बैठे हैं, तो कहते हैं कि बहुत इग्नोर करता था आसिम शेफाली को और बिल्कुल भाव नहीं देता था। विकास कहता है कि आसिम जो है बहुत हार्डवर्किंग कंटेस्टेंट था, उसने जितना था शो में अपना सब कुछ दे दिया था और वो जो है शो के लिए ही सब कुछ करता था। मैं घर के अंदर आया था उसको और रश्मि को सपोर्ट करने के लिए, और जब मैं आया तब सिद्धार्थ और पारस जो है सीक्रेट रूम जा चुके थे। उसने कहा मैंने पहली बार जो है उसका वो हाथ नहीं छोड़ा था, वो जो टॉर्चर टास्क था वो देखा, मैं तभी से उसका फैन बन गया, और जब मैं घर के अंदर आया तो मैंने देखा कि वो उसके पास जो है सब कुछ सिर्फ शो में देता था, दिन रात वो शो के लिए करता था, उसके जैसे मैंने हार्डवर्किंग नहीं देखा। और उसने निक्की जो है ना, समझो 10 निक्की तंबोली थी वो, कि सिर्फ और सिर्फ शो के लिए सब कुछ करना। जिसके बाद राहुल कहते मैंने सुना था उसकी सिद्धार्थ के साथ भी दोस्ती थी, तो विकास ने बोला हाँ उसकी दोस्ती थी। अली गोनी ने बोला कि आसिम की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसको पता ही नहीं था कि सिद्धार्थ शुक्ला कौन है, कि कोई एक्टर है क्या है, जब बाहर से लोग आते थे तब उसे पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला एक्टर है। और राहुल कहते मैंने सुना कि वो तो अपने अंडे वंडे भी दे देते थे, शेयर करते थे यहाँ, मतलब सोचो कितनी अच्छी दोस्ती रही होगी। तो विकास ने कहा हाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में जब नहीं रही दोस्ती तो बहुत ज्यादा जो है वो उभर कर और आगे निकला था, और जितना था उसने अपना शो को दिया था। और जो है वो और एक रश्मि देसाई जो है, उन्होंने कहा विकास गुप्ता ने, रश्मि देसाई जो है शो जीत सकती थी लेकिन वो अपने दोस्त के लिए खेल रही थी, और जब तक उसने अपने लिए खेलना शुरू किया तब तक बहुत लेट हो गया था, वरना उस शो में। फिर उन्होंने शहनाज का जिक्र किया कि शहनाज के क्या रंग थे, तो लोगों ने बात की कि सिद्धार्थ, आसिम, शहनाज और रश्मि देसाई ये चारों बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन विकास गुप्ता ने बहुत ज़्यादा तारीफ की आसिम की और कहा कि आसिम रियाज जो है वो जो है बहुत, और सब बातचीत कर रहे थे कि वो कितना आगे चला गया, इस शो ने उसे कितना कुछ दिया, उसने इस शो को कितना कुछ दिया, और जो है उसके जिम की भी बात कर रहे थे कि वो जब देखो जिम करता रहता तो उसको बोलना पड़ता था कि बस कर अब जिम मत कर, और बाद में जो है उसका जिम जब वो करता था दिखाना भी बंद कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है विकास गुप्ता डिस्कस कर रहे थे, और पिछले साल के कंटेस्टेंट्स को, चाहे वो सिद्धार्थ हो, शहनाज हो, आसिम हो, रश्मि हो, इन सभी की जो है तारीफ घर में हो रही थी।